जगह जगह भी सभी जातियों के हमारी पार्टी में लोग हैं और आने वाले समय में सब लोग जुड़ना चाहते हैं। ये ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अगर बहन जी चाहेंगे चंद्रशेखर भाई से मिलना तो भाई पसंद करते हैं बहन जी को भी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के दलितों के साथ दुर्व्यवहार करती है। बहन जी बोलती हैं, कहीं आपने बोलती देखा? नहीं बोलते देखा। कहीं आंदोलन करे तो चंद्रशेखर और वोट दें बहुजन को, तो वो राज नहीं चलने वाला। जो रोड पे लड़ाई लड़ेगा, जो आंदोलन करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, उसको वोट मिलेगी। अब लोगों के दिलों में चंद्रशेखर जी के लिए जगह बन चुकी है। बीएसपी का वोट बैंक बढ़ रहा है और डोर टू डोर प्रचार चल रहा है। ये चंद्रशेखर जी का कारवा है, ये युवाओं का कारवा है। साथियों, मैंने बहन जी का बहुत साथ दिया, लेकिन बहन जी ने हाथ लगा नीचे से लेकर थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, काम ही नहीं किया हाथ लग भी। साथियों, तो आप ये मत कहिए कि बहन जी ने संघर्ष किया। बहन जी ने जो संघर्ष किया ना, वो अपनी नोटों की गड्डी बना के उन पर आराम से दबा के बैठी हुई है। मेरा नाम प्रियंका गौतम है, मैं बुलंदशहर की महिला विंग की जिला अध्यक्ष हूँ। आज आजाद समाज पार्टी का प्रथम अधिवेशन था और साहब काशीराम जी की जयंती थी, तो हम ही सभी लोग बड़े तादाद में आए हुए हैं। यहाँ से जगह जगह से लोग आए हुए हैं। आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को भी मजबूत करना है। क्या कहेंगे, बाबा साहब ने सपना देखा था कि बहुजन समाज जो है किसवीं सदी में शासक बनेगा, लेकिन आपने अभी देखा होगा जो लिस्ट तमाम चंद्रशेखर जी बता रहे थे उसमें सभी जातियों के लोग नहीं थे, सिर्फ एक जाति के और कुछ जाति के लोग थे, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारी जातियों के लोग हैं। हमारे पास मुस्लिम भी हैं और प्रजापति जी। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। नहीं, बहुत जगह जगह भी सभी जातियों के हमारी पार्टी में लोग हैं और आने वाले समय में सब लोग जुड़ना चाहते हैं। ऐसा है कि कहीं कहीं हमारी पार्टी अभी पहुँच नहीं पाई है, धीरे धीरे जैसे भी हमारा संगठन बढ़ रहा है पार्टी वहाँ पहुँच रही है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आजाद समाज पार्टी से महिला विंग की जिला प्रभारी हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो ये आजाद समाज पार्टी है, हम ये कोशिश कर रहे हैं गांव गांव में जाके सबको भाई जी के क्या नाम है उसका रंग कर रहे हैं, उनको महिलाओं को सबको गाइडलाइन कर रहे हैं। और हम आगे ये चाहेंगे भविष्य में कि हमारी सरकार आए और हमारे बाबा साहब का नाम रोशन करे। जी 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 जी, जय भीम। साथियों, मैं भीमार में जिला अध्यक्ष जिला संयोजक रोहित कुमार बुलंदशहर से, ये जो अधिवेशन है ये वो ताकत है दिखाने का, अब हम लोग बहुजन समाज कमजोर नहीं है। अभी यहाँ अंदर बात चल रही है और हर जगह भीम आर्मी को एक पहचान मिली हुई है कि जहाँ भी कोई अत्याचार होता, अन्याय होता है, भीम आर्मी अपनी आवाज़ को जाती है और पुलिस से पहले पहुँचने का काम करती है। ये जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन इस चीज़ का है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी में इकट्ठे, बहुजन समाज में इकट्ठे होकर नहीं, बड़ी तादाद में है, मंच पर सभी जाति बरादरी के लोग थे और अब ये जो बहुजन समाज है ये किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ नहीं सहेगा और कोई भी अत्याचार करेगा उस अत्याचार को नहीं सहेगा। ये ईंट का जवाब पत्थर से देगा और बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं ये चंद्रशेखर। उत्तर प्रदेश में बीएसपी भी अब बिना गठबंधन के लड़ रही है, तो क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में बीएसपी का अभी कोई भरोसा नहीं है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने तो ऐलान किया है कि बहन जी आए, पहले हमने प्रायोरिटी बहन जी को ही दी है। अगर बहन जी चाहेंगे चंद्रशेखर भाई से मिलना तो भाई पसंद करते हैं बहन जी को भी, ऐसी नहीं है कि बहन। लेकिन अगर इलेक्शन होता है तो वोट तो बट जाएगा ना, फिर सरकार कैसे बनेगी? देखिए, मैं प्रीतम सिंह आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बुलंदशहर, और आप कहते हो कि बहुजन का वोट बट जाएगा, तो आप को ये देखना है कि आज का समय जो चल रहा है, जो आज का युवा, जो आज का वोट बैंक जो जहाँ पर जा रहा है बहुजन का और हर समाज के लोगों का, वो जो विश्वास है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के अंदर है। बहन जी 200 सिक्योरिटी के अंदर बैठी रहती हैं, कहीं आंदोलन करें तो चंद्रशेखर और वोट दें बहुजन को, तो वो राज नहीं चलने वाला। आप जो रोड पे लड़ाई लड़ेगा, जो आंदोलन करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, उसको वोट मिलेगी, उसको ही वोट। आपको लगता है बहन जी ने लड़ाई नहीं लड़ी? बहन जी ने लड़ाई लड़ी तो बहन जी को चार बार मुख्यमंत्री बनाकर तो बिठा दिया। 200 आदमी की सिक्योरिटी में बैठी होती है। आज दलित के ऊपर अत्याचार होता है, किसी भी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार होता है, बहन जी एक भी स्टेटमेंट देती है, कोई ट्वीट करती है? नहीं करती। आज कोई लड़ाई लड़ता है तो चंद्रशेखर आजाद जी लड़ते हैं, चाहे मनीषा वाल्मीकि की हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल की हो, चाहे किसी भी राज्य की हो। तो कहने का मतलब ये है कि आज युवा और बुजुर्ग, माताएं बहनें, हर एक व्यक्ति चाहे किसी भी समाज का हो, और देखा आपने अधिवेशन के अंदर भी देखा होगा हर समाज का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, भाई चंद्रशेखर जी के अंदर आस्था लेके बैठे हैं। तो लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो बीएसपी को सपोर्ट करता है सर।
आप जो कह रहे हो ना बीएसपी को सपोर्ट, अब नहीं होगा। अब सिर्फ एक जो बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार भी या किसी भी राज्य में चुनाव होगा तो भाई चंद्रशेखर जी का जो है ना डंका ऐसा बजेगा कि आप और सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सब देखती रह जाएंगी। गांव चलो यात्रा चल रही है बीएसपी की, तो क्या कहेंगे इसके लिए, इसको लेकर? अब तो मजबूत हो रही है बीएसपी। नहीं मजबूत नहीं, क्या नाम है, जैसे जैसे अभी बताया भाई ने कि क्या नाम है कि वो शहर शहर में जाके वो मंदिर का निर्माण करके और जय सिया राम कर रहे हैं, तो हम ये चाहें। अरे अमित शाह भी तो जाते हैं बाबा साहब की स्थली पे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहन जी अगर त्रिशूल पकड़ ले तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ तो हमारे बताइए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। अमित शाह भी तो जाते हैं, अमित शाह अम्बेडकर जी के स्थल पे जाते हैं जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, और बहन जी अगर त्रिशूल पकड़ ले तो समाज उनकी वो तो वोट। अब आप एक बात भैया, आपने कहा कि अमित शाह जी जाते हैं, ठीक है, जब हमारे राष्ट्रपति जी जब वहाँ पर मंदिर में गए थे तो उनको मंदिर में न जाने दिया, पूजा न करने दिया, और उस मंदिर को उससे मतलब शुद्धिकरण कराया गया, तो उस दिन अमित शाह जी कहाँ पर थे बताइए? और आप कहते हो ना कि बीएसपी का वोट बैंक बढ़ रहा है और डोर टू डोर प्रचार चल रहा है, ये चंद्रशेखर जी का कारवा है, ये युवाओं का कारवा है। और देख लेना आने वाले चुनाव में, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो, देख लेना आने वाले समय में कि चंद्रशेखर जी का कारवा और कितना वोट बैंक और कितनी मजबूती के साथ उभर के निकलते हैं। जी जी जी, हमारी हमारी जो लड़ाई है वो बीएसपी से नहीं है, हमारी लड़ाई है बीजेपी से। बीएसपी क्या कर रही है, हमें उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। हमारी लड़ाई है बीजेपी से, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है वो बीजेपी है। हमारी जो फाइट है बीजेपी से। अभी आपने ओबीसी आरक्षण देखा होगा, अभी आपने ओबीसी आरक्षण देखा होगा, जहाँ मोदी जी रैली करते हैं वहाँ बुलाने से भी 10-20 हजार लोग नहीं पहुंचते, मगर चंद्रशेखर जी के एक पैगाम से 10 लाख आदमी वहां पहुंचे, अपना भाड़ा किराया 10 लाख आदमी वहां पर पहुंचे। और जब 10 लाख आदमी पहुंचे, लोगों ने चंद्रशेखर जी को पहचाना कि ये जो नेता है जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहा। लेकिन लोगों का ये कह रहे हैं कि वो तो आदिवासी तमाम संगठन थे उसमें, है ना, यदि उसको जो लीड कर रहे हैं वो चंद्रशेखर भाई है, लोगों को समझ गया वो किसी धर्म का हो किसी जाति का हो, यदि किसी के साथ नाइंसाफी होती है यदि अत्याचार होता है तो वो उसकी आवाज़ को उठाने का काम यदि पूरे भारत के अंदर कोई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर भाई हैं। अब लोगों के दिलों में चंद्रशेखर जी के लिए जगह बन चुकी है, चाहे मुस्लिम। माता जी अभी चंद्रशेखर जी ने बहुत सारा काम दिया करने के लिए, क्या करेंगे फिर? चंद्रशेखर तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, बेटा है हमारा, आशीर्वाद है, ठीक है। लेकिन बहन जी के बारे में जो बात आई थी ना, दो शब्द मेरे हैं। आपने कहा था कि बहन जी ने लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ी थी, लेकिन बहन जी, मैंने तो बोला कि बहन जी ने भी तो लड़ाई लड़ी, ठीक है, लड़ी थी, लेकिन बहन जी के साथ में हमारे बेटों ने, भाई ने, हमने सबने लड़ाई लड़ी थी। मैं जिला बुलंदशहर अलीपुर गजौरी गाँव के रहने वाली हूँ, तो जिस समय बहन जी के बारे में ना वहाँ वोट पर रही ही और जो पुलिस द्वारा कोई झगड़ा हुआ और बहन जी गई ही, कुछ लोग हमारे जो है जेल में गए थे, तो बहन जी के पास जो गए ना सिफारिश लेने, तो बहन जी ने उन लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ जो आपने कहा कि चंद्रशेखर भाई, चंद्रशेखर भाई की शुरुआत है, और जब शुरुआत होती है तो शुरुआत इसी तरह से होती है, और आने वाले दिन में आप भी देख लेना 2024 में चंद्रशेखर भाई इतनी बड़ी पावर लेकर आएंगे कि लोगों की नींद हराम हो जाएगी। जिस तरह से मनुवाद चल रहा है उसको खत्म करने के लिए चंद्रशेखर सबसे अहम भूमिका है। जी, देश में मनुवाद चल रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिला संगठन मंत्री बुलंदशहर से बात करो, जगीराम जाटव। साथियों, मैं भी पहले बहुजन समाज पार्टी में बहुत काम किया है मैंने, ऐसी बात नहीं, बूथ का सेक्टर अध्यक्ष रहा सिकंदराबाद से। साथियों, मैंने बहन जी का बहुत साथ दिया, लेकिन बहन जी ने आत हमारे नीचे से लेकर थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, काम ही नहीं किया आत लग भी। साथियों, भाई चंद्रशेखर पार्टी में आए, सबसे पहले पार्टी में आने के बाद में जिला संगठन मंत्री का पद मेरे पास है, और भाई चंद्रशेखर साथ हम पूरी जनता हमारे साथ आई है सिकंदराबाद से। अच्छे से अच्छा भैया के साथ काम करेंगे तो ज्यादा क्या करेंगे बताइए आप। जी, कुछ और लोग जी। आपने सर एक बात कही कि बहन जी और चंद्रशेखर आजादी में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। मैं बहन जी की गोदी में खेल के बड़ा हुआ हूँ, आप विश्वास नहीं मानोगे। आज मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सपोर्ट करता हूँ, क्यों, कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के दलितों के साथ दुर्व्यवहार करती है। बहन जी बोलती हैं, कहीं आपने बोलती देखा? नहीं बोलते देखा। भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे हर बात के लिए, हर लड़ाई के लिए, हमारी भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद हमेशा आगे रहते हैं।
तो आप ये मत कहिए कि बहन जी ने संघर्ष किया। बहन जी ने जो संघर्ष किया ना, वो अपनी नोटों की गड्डी बना के उन पर आराम से उनको दबा के बैठी हुई है। भाई चंद्रशेखर आजाद के पास ना नोटों की गड्डियां हैं, ना उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास हम जैसे भाइयों का आमजन प्रेम है। और हम वादा करते हैं 2023 में हम भाई चंद 2027 में सॉरी हम भाई चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के रहेंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन फर्क पड़ता है ना, समाज में दोनों ही लोग हैं, दोनों ही चेहरे हैं। समाज में आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आज दलित पिछड़ा वर्ग मायावती जी के साथ है, बिल्कुल भी 0% पर। आपने यूपी गवर्नमेंट विधानसभा में देखा चुनाव, मात्र एक कैंडिडेट निकल के आया, वो कौन था? उसकी अपनी खुद की पॉपुलरिटी है कि वो अपना विधानसभा चुनाव जीत गया। बहन जी के पास एक सीट नहीं है आज, और अगले 2027 के चुनाव में हम दावा करते हैं कम से कम 200 सीट भाई चंद्रशेखर आजाद जी लेके आएंगे, हम दावा करते हैं। बिल्कुल ये अंतर है बहन जी में, भाई चंद्रशेखर आजाद में। तो जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी आज समाज पार्टी और बीएसपी को लेकर, दोनों ही कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वक्त में आजाद समाज पार्टी एक नए रूप में और एक नए और जो उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है उसको जरूर सॉल्व करेगी। तमाम खबरों के अब दिख रही है जिस टीवी इंडिया।